सो गाइस फाइनली टाटा नेक्सॉन अनवील हो चुकी है एंड इस कार ने मार्केट में आते ही अपने सारे कंपटीशन को हिला दिया है। एंड आई होप अभी तक आपने इस कार के इंटीरियर और फीचर्स देख लिए होंगे। एंड अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आप मेरे चैनल चेकआउट कर सकते हैं, इसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। एंड आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं इसके बेस वेरियंट की। इसके बेस वेरियंट में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या इंजन स्पेसिफिकेशन आपको इसके बेस वेरियंट में मिलती है, एंड फाइनली इसके बेस वेरियंट के एक्सपेक्टेड प्राइस क्या हो सकते हैं। तो अगर अभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल बिकॉज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो गाइस बात करते हैं इस कार के बेस वेरिएंट, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि अब इस कार में आपको कौन कौन से वेरिएंट ऑफर किए जाते हैं। अब इस कार में आपको टोटल चार वेरिएंट ऑफर किए जाते हैं, स्मार्ट, प्योर, क्रिएटिव एंड फेयरलेस। एंड इनके अंदर आपको अलग अलग सब वेरिएंट देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसके बेस वेरिएंट और उनके सब वेरिएंट्स की एंड देखेंगे कि इनमें आपको क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। सो गाइस बात करते हैं इसके बेस वेरिएंट और कह सकते हैं इसके स्टार्टिंग वेरिएंट स्मार्ट की। तो देखते हैं कि स्मार्ट के एक्सटीरियर लुक में आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। इस बार इसके फेसलिफ्ट वर्जन में आपको एलईडी हेडलाइट सेटअप देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ आपको एलईडी डीआरएल भी दे दिए गए हैं बेस मॉडल से ही। उसके अलावा बॉडी कलर बम्पर एंड पियानो ब्लैक कलर की ग्रिल आपको दी गई है, जो कि इसके हायर वेरियंट में भी आपको देखने को मिलेगी। सो फ्रंट प्रोफाइल से ये बेस मॉडल कहीं से भी आपको बेस मॉडल जैसा लुक नहीं देता। बात करें इसके साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल में आपको ब्लैक कलर के ORVM देखने को मिलेंगे, बट इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड डिटेक्टेबल का फीचर नहीं देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको 16 इंच के टायर साइज मिलेंगे इस कार में एंड व्हील कैप इसमें आपको नहीं मिलेगी बेस वेरिएंट में। उसके अलावा फुल बॉडी ग्लाइडिंग आपको बेस वेरिएंट से ही देखने को मिलेगी, बट रूफ रेल्स आपको बेस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलेगी। बात करें रेयर प्रोफाइल की, तो रेयर प्रोफाइल में आपको एलईडी टेल लैंप का सेटअप देखने को मिलेगा एंड जो कनेक्टिंग टेल लाइट दी गई है वो बीच वाला पार्ट डमी है, वो ग्लो नहीं करता। इसके अलावा रेयर में आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप एंड इंटीग्रेटेड रेयर स्पॉयलर आपको बेस मॉडल से देखने को मिल जाएगा। एंड जो चीज आपको इसमें मिस लगेगी वो लगेगी रियर डिफॉगर, वाइपर एंड शार्क पिन एंटीना, जो कि आपको बेस मॉडल स्मार्ट में नहीं मिलता। तो गाइस ये तो बात रही इसके एक्सटीरियर लुक की, अब बात करते हैं इस कार के इंटीरियर की और देखते हैं कि बेस वेरिएंट में आपको क्या क्या चीजें मिलती है। सो इसके बेस वेरिएंट में आपको टू स्पोक स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको टू ग्रैब हैंडल देखने को मिलेंगे बेस वेरिएंट में एंड जो गियर नॉब है वो पेंटेड में मिलेगा, लेदराइट गियर नॉब इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलता। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको डिजिटल ही मिलेगा, बट जो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको बेस मॉडल में मिल रहा है ये पुराना वाला नेक्सॉन का ही है। नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको सिर्फ हायर मॉडल इसके फेयरलेस मॉडल में ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस बार इसके बेस वेरिएंट से ही आपको डे नाइट IRVM देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ फ्रंट सीट में भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट का फीचर मिल जाएगा। तो गाइस ये तो बात रही स्मार्ट वेरिएंट के इंटीरियर की, अब बात करते हैं कि बेस वेरिएंट में आपको क्या क्या सेफ्टी फीचर्स ऑफर किए जा रहे हैं। सो गाइस इसके बेस वेरिएंट से ही आपको ABS, EBD, हिल होल्ड असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड फाइनली 6 एयरबैग का ऑप्शन इसके बेस वेरिएंट से ही आपको मिलने वाला है। सो अब टाटा अपनी स्ट्रक्चर क्वालिटी के अलावा अपनी पैसिव सेफ्टी में भी बहुत काम कर रहा है एंड आई होप ये कार ग्लोबल एनकैप में चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग में भी बहुत अच्छे पॉइंट्स अचीव करने वाली है। इसके साथ साथ भारत एनकैप में तो इसके 5 स्टार आने पक्के हैं। सो गाइस अब बात करते हैं बेस वेरिएंट में मिलने वाले इंजन स्पेसिफिकेशन की। तो बेस वेरिएंट में आपको एक ही इंजन एंड ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलता है, वो है 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन विथ 5 स्पीड गियर ट्रांसमिशन। ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है कि पहले बेस मॉडल से ही आपको 6 स्पीड गियर ट्रांसमिशन मिलता था, बट अब आपको बेस वेरिएंट में सिर्फ 5 स्पीड गियर ट्रांसमिशन मिलेगा। इसके अलावा आपको बेस वेरिएंट में सिर्फ पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलेगा, डीजल इंजन ऑप्शन इसका बेस वेरिएंट में नहीं दिया गया है। सो गाइस ये तो बात हुई इसके बेस वेरिएंट स्मार्ट की। अब हम देखते हैं कि अगर आप इसके एक ऊपर वेरिएंट में जाते हो, इसके एक सब वेरिएंट में जाते हो एंड एडिशनल ओवर स्मार्ट, अब आपको क्या क्या मिलता है इसके स्मार्ट प्लस वेरिएंट में। तो अगर आप स्मार्ट प्लस वेरिएंट की तरफ जाते हो तो आपको इसमें 7.5 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा हरमन का। ये इसका पुराना ही इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो आपको पुरानी नेक्सॉन में भी मिलता था। इसके साथ साथ 4 स्पीकर, शार्क पिन एंटीना, एंड्रॉयड ऑटो विद एप्पल कारप्ले एंड इसके अलावा आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी इसके स्मार्ट प्लस वेरिएंट में देखने को मिल जाएंगे एंड ऑल 4 पावर विंडो आपको इसके स्मार्ट प्लस वेरिएंट में देखने को मिलेंगे। एंड इसके साथ साथ जो आपका ORVM है वो आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल कर सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू मी बेस वेरिएंट स्मार्ट लेने से अच्छा है कि आप इसके स्मार्ट प्लस वेरिएंट की तरफ जाइए। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट वेरिएंट की, जो कि है स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट एंड अब देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या एडिशनल चीज़ें मिलती हैं। तो अगर बात करें इसके स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट की, तो इसमें आपको ऑटो हेडलैम्प्स का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा वॉइस असिस्ट, इलेक्ट्रिक सनरूफ आपको इसमें देखने को मिलेगी, रेन सेंसिंग वाइपर, रूफ रेल्स एंड टिंटेड रूफ लाइनर आप इस वेरिएंट में देखने को मिल जाएंगे।
सो जिन लोगों की सनरूफ की डिमांड रहती थी और बजट थोड़ा टाइट रहता था, तो उनके लिए टाटा बेस वेरिएंट से ही सनरूफ लेके आ गया है। तो अगर आप लोग सनरूफ चाहते हो तो आप इसका स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट ऑप्ट कर सकते हो। बात करें इस कार की प्राइसिंग की, तो ऑफिशियली अभी इसके प्राइस अनाउंस नहीं किए गए, 14 सितंबर को इसके ऑफिशियली प्राइस अनाउंस किए जाएंगे। बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि बेस वेरिएंट कहीं ना कहीं आपको 8,10,000 या 1,20,000 से स्टार्ट होगा। हम जल्दी अपने चैनल पे इसकी ऑफिशियल वीडियो भी आपके सामने लेके आएंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको इसके और कौन से वेरिएंट के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है, एंड हम जरूर उस वेरिएंट को कवर करेंगे चैनल पे। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।